हमारे पास ये मान लेते हैं एबीसी, ठीक है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है शुरू में वो हमने मान लिया ए इज टू बी इज टू सी। हमें नहीं पता कि उनका इन्वेस्टमेंट किस रेशो में था। अब क्या कह रहा है, दे हैड पार्टनर फॉर 14 मंथ्स, तो ए ने पार्टनरशिप करी है फॉर 14 मंथ्स और बी ने पार्टनरशिप करी है 8 मंथ और सी ने पार्टनरशिप करी है 7 मंथ्स। तो क्या आप मुझे बताओगे कि ए का जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 14 है, फोर्टीन बी का कितना हो गया? एट बी सी का कितना हो गया? एंड सेवन सी सेवन सी सेवन सी तो अब इस रेशो में उनका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको मिल रहा है, वो उसको मिल रहा है 5:7:8। कुछ समझ में आया? सर। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट ए इज टू बी इज टू सी, ये है हमारा ड्यूरेशन, किसने ड्यूरेशन में उनवे वो किया, और ये है हमारा प्रॉफिट। तो हम इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग होता है, तो हम ये रख देंगे। अब जरा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी? तो ए इज टू बी इज टू सी हो जाएगा, अगर आप देखेंगे 5:14 और 7:8 और 8:7। समझ में आया या नहीं आया? जी सर। जी भाई 14 ए इज इक्वल टू 5x, तो ए इज इक्वल टू 5x/14। जब आप ए को करोगे बेटे तो 14 ए को किसके साथ लोगे? 5 के के साथ, तो ए कितना आ जाएगा? 5/14। और बी कितना आएगा और सी कितना आएगा? तो जरा इसका एलसीएम कितना आएगा जी? 56। 56, 56 करोगे तो 56 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, फिर तो 56 इंटू 56 इंटू 56। देखो 14 से कितने टाइम कैंसिल होता है? 4 टाइम। 8 से 7 टाइम, 7 से 8 टाइम। देखो कुछ रेशो आया गया, 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, और 8 8 जा 64। देखो कहीं ऑप्शन है क्या? आया बेटे समझ में? नहीं आया? चेक करो जरा इसे, इसे थोड़ा सा नोट भी करो, पेन चलाओ, आज पेन चलाओगे तो थोड़ा सा आपको जागोगे थोड़ा सा। चलाओ फिर इसी पे करते हैं एक दो क्वेश्चन, क्योंकि उस दिन भी आपने सबसे पहले किस बच्चे ने पूछा था ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, तो फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। अगेन जामिया एलएलबी 2017 का है, यूजी एंट्रेंस का है। तो बताओ जरा, बहुत सिंपल है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, इफ देयर एलसीएम इज 240, द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज, दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे बेटे। एलसीएम भी दिया हो सकता है, एचसीएफ भी दिया हो सकता है, बस अगर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता है कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। हेलो सफेद फोटो निभा गया चलो बच्चों को दे दो। 60 60। चलो आओ जरा देखो जी बेटे, होता क्या है बेसिकली, आप सब बच्चे समझो कि भाई एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। हमसे कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, सब बच्चे प्लीज जरा समझ लीजिए। आपके पास एक नंबर है ए और एक नंबर है बी और उनका रेशो दिया हुआ है 3:4। तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जब नंबर्स का रेशो दिया होता है तो हम सपोज करते हैं कि लेट नंबर्स आर 3x एंड 4x, सपोज करते हैं ना, ठीक है। अब जरा क्या सोचो, अब सोचो जरा इधर, जो हमारे पास नंबर है वो ए है, तो ए को हमने लिखा है 3x और बी को हमने लिखा है 4x। तो यहाँ पे एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जरा थोड़ा सा याद करो कि एचसीएफ में आपने क्या कहा था। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं बेटे अगर हम नंबर्स को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर लें, प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं, सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ए के फैक्टर हुए 3 और x,
और बी का फैक्टर हुआ 4 और एक्स, 4 को भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं थी, 2 × 2 × x, प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना होता है। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि 3 अलग चीज है और 4 अलग चीज है, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं था, तो अगर 4 लिखा हुआ था तब भी बात सही है और 2 × 2 लिखा हुआ है तब भी बात सही है, ठीक है। और एक हमारे पास है x, तो HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों में कॉमन है, A में और B में। बता सकता है कोई A और B में फैक्टर कौन सा कॉमन है? X. X. तो इसका मतलब इनका HCF हुआ X. लेकिन अगर आपको LCM निकालना है तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं वो भी लेते हैं, तो 3 अलग चीज है 4 अलग चीज है, तो 3 × 4 = 12x हमारा आंसर होगा। तो अगर यहाँ HCF दिया होता, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर HCF इज 6, देयर HCF इज 6, तो जो हमारा x आया है, जो हमारा HCF आया उसको हम 6 रख देते हैं, x को क्या रख देते हम 6, अगर हम x को 6 रख देते तो हमारा पहला नंबर हो जाता 3x, यानी कि 3 × 6 = 18 और दूसरा नंबर हो जाता 4 × 6 = 24। समझ में बात आई या नहीं आई? जी मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सपोज करो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने कहा हमारे पास दो नंबर हैं जिनका रेशियो है 3 और 4 और उनका HCF दिया हुआ है 6, तो हम क्या कह रहे हैं हमारे नंबर्स हो गए 3x और 4x। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ HCF कहते हैं कॉमन पार्ट को, तो यहाँ पे कॉमन क्या है बेटे 3x में और 4x में? X है सर, x है, और HCF दिया कितना है, तो हमारा HCF हो गया x, लेकिन x की वैल्यू दी हुई है 6, यस और नो? अब आगे समझ में, तो हम यहाँ 6 रख देंगे, 3 × 6, तो ये हमारा पहला नंबर, और 4 × 6 ये हमारा दूसरा नंबर। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अब हम कह रहे हैं नहीं हमें LCM दिया हुआ है, हम क्या कह रहे हैं नहीं सर हमें तो LCM दिया हुआ, तो LCM वाले पार्ट पे करते हैं कि भाई हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 3:4, तो ठीक है सर एक हमारा हो जाएगा 3x और एक हमारा हो जाएगा 4x, तो मुझे कोई बताएगा LCM क्या होता है? अभी मैंने समझाया था LCM होता है जो कॉमन और बाकी सब फैक्टर्स, ठीक है। मैंने इसलिए 3 और 4 को टच नहीं किया क्योंकि 4 अलग चीज है 3 अलग चीज है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं। अगर यहाँ प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ होता 2x और यहाँ होता 4x, तब मुझे 4 को 2 × 2 करना पड़ता और 2 कॉमन आता, तो यहाँ इसलिए मैंने इनको प्राइम फैक्टर्स में नहीं किया, तो हमें HCF LCM के लिए प्राइम में करना होता है। तो ये हमारे पास है, तो हमारे पास क्या हो गया 12x, लेकिन बेटे इस क्वेश्चन में हमें LCM दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ भाई? 240। LCM में दिया हुआ है 240, तो हमारा LCM है 240, तो क्या हम दोनों को इक्वल लिख दें? बताइए बात समझ में आ गई? जी। अगर बात समझ में आ गई तो 3 × 4 = 12, 12 से कितने टाइम कटेगा? 20, तो क्या x की वैल्यू 20 आ गई? जी। तो यहाँ 20 रख दीजिए, तो 3 × 20 क्या होगा भाई? 60। और 4 × 20 क्या होगा भाई? 80। समझ में आ गया? जी सर। यस सर। तो ये भी LLB का ही क्वेश्चन था, सेम पेपर 2017 से। चलो जी और देखते हैं। देखो चलो आ गया आपके सामने सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेपर, गुड। अब जल्दी से आंसर आना चाहिए सब बच्चों का, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आंसर आना चाहिए एकदम से, सब बच्चे शाबाश बताओ, वेरी गुड, जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड से करना है, स्पीड से। सर ए। वेरी गुड, और बच्चे बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए। यस गुड, हमसे क्या कह रहा है फिर, अब तो कुछ करना ही नहीं, अगर समझ चुके हो आप तो आपके पास नंबर हो गया 1x 2x 3x, ठीक है, तो कॉमन x ही है, तो मेरा x आ गया 12, यस और नो? तो HCF हमारा 12 ही है, आपसे कह रहा है नंबर बताओ, तो पहला होगा 12, दूसरा होगा 24, तीसरा होगा 36, सर सही है? जी बहुत अच्छे शाबाश, गुड।
ऐसे किया करो, देखो आओ जी देखते हैं फिर कुछ और। अरे मेरे अल्लाह, देखो जी सर और देखते हैं क्या है हमारे पास। लुक एट दिस द फॉलोइंग डेटा, बस ये तो खत्म हो गया। आइए जी 18 ये देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं दो तीन, आप सब बच्चे करिए। LLB 2018 का पेपर जो हमने पहले दो क्वेश्चन करे हैं 2017 का था, अब ये हमारा पेपर 2018 का है। 19 के शायद मैंने कराया था आपको या नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ एक एंट्रेंस में अगर आ रहा है यूजी पीजी में तो वो क्वेश्चन इसका मतलब मेरे तरह से समझिए कि मार्केट में है, पेपर में है, एग्जामिनर के दिमाग में है, तो उसे कहीं भी रख सकते हैं, बस ये कि लेवल देखना होता है। चलो बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे एकदम से बताएंगे। यस, ये वाला क्वेश्चन बताइए सब बच्चे, थोड़ा स्पीड से। द रेशियो ऑफ फादर एज टू हिज सन एज इज 8:5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 1440, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 इयर्स विल बी, शायद डिस्कस भी किया था ये, हम असाइनमेंट में डिस्कस कर रहे थे, देखो यहाँ एग्जाम में आ गया। आंसर आ जाना चाहिए था बेटे इतनी देर में तो। ये वर्कशीट में किया था हमने लास्ट क्लास में, वहां जब हम असाइनमेंट बुक वाला कर रहे थे, देखो बुक का क्वेश्चन आया हुआ है। सर 3:2 3:2 शाबाश, और कोई बच्चा बताए मुझे क्या आंसर है। सिंपल सा है बेटे, उतना ही लिखना भी है, यहाँ मैं वही सिखाता हूँ कि कोशिश ये करो कि हमें लिखना भी उतना ही है। मान लीजिए हम कह रहे हैं द रेशियो ऑफ फादर एज टू हिज सन एज, तो आपने क्या कहा 8x और सन की एज हो गई 5x, आपसे कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो प्रोडक्ट हो गया 1440, लिखना भी इतना ही है, तो हमारे पास क्या आ गया 8 5 जा 40, तो 40 से आपके पास 0 से 0 और 4 से कितना 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36। क्या हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर हो रहा है? नहीं सर। तो एक्स की वैल्यू कितनी? 6 इतना ही करना है। एक्स की वैल्यू अगर 6 हो गई तो आपका बताओ फादर की एज कितनी है? 8x 8 6 48, हाँ इतना ही लिखना, इसलिए कह रहा हूँ 5 6 जा 30। आपसे कह रहा था आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद रेशो चाहिए, 48 + 6 कितना होगा? 54 और 30 + 6 कितना होगा? 36 तो ये रेशो होगा, लेकिन इसे 18 से कैंसिल करो जरा, 18 3 जा 54 और 18 2 जा 2। बताइए आंसर बी। यस सर नो? जी सर। गुड, सबको समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी सर। वाओ, चलो जी शाबाश। देखो एक क्वेश्चन और देखो, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, LLB 2018 का है ये भी, और जो अभी हमने किया देखो उसी तरह से। देखो जब एक चीज कर लेते हैं ना बेटे, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन फिर वहीं आसपास घूमता रहता है। ये देखो बताओ शाबाश, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं शायद जो हमने अभी किया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192 एंड द HCF इज 8, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM।
यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने बच्चों को HCF LCM बताया था, ये बेसिकली HCF LCM का ये रेशो तो उसका आंसर में पूछ रहा है, अदरवाइज HCF LCM की एक प्रॉपर्टी और याद सुन लीजिए, तो एक छोटा सा टॉपिक आपका साथ साथ कवर हो रहा है HCF LCM, कि बेटे अगर हमारे पास दो नंबर हो, एक नंबर A हो और एक नंबर B हो, ठीक है, और उसका HCF HCF ही ले लूं और उसका LCM LCM ही ले लूं, तो ध्यान रखना नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF LCM का प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF LCM का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, वालेकुम सलाम, LCM निकालो सब बच्चे इसका, जी वालेकुम सलाम, ऑप्शन डी, अल्लाह का शुक्र है, ऑप्शन सी, LCM आएगा 24, जी इरफान साहब बताइए, 3:1, आसिफ 1:3 होगा ना, HCF है ना, LCM, सॉरी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, आसिफ क्या आया, ऑप्शन बी 1:3, मेरा भी ऑप्शन सी, की ऑडियो बंद है, अब देखो अब इसके हिसाब से कर लो बहुत सुकून से, आपसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192, तो बेटे हमारे पास ये HCF LCM साथ साथ डिस्कस हो गया, छोटा छोटा सा ही टॉपिक है बेटे, कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है ए और बी, ये डायरेक्ट उसने 192 दे दिया, ठीक है बेटे, और उसने उसमें से HCF दे दिया, तो HCF की वैल्यू दे दी 8, तो क्या हम डायरेक्ट LCM निकाल लेंगे, हम 8 से हम कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 8 2 16 32 8 4 32, यस सर नो, अब आपसे क्या कह रहा है बेटे, अब आपसे सीधा सीधा ये कह रहा था HCF और LCM का रेशो बताओ, तो ठीक है सर HCF LCM का रेशो 8:24 आ गया, समझ में आया या नहीं आया, हमारा जो HCF है बेटे वो 8 है और LCM जो है 24 है, तो 8:24 कितना होता है भाई, 1:3, दैट्स इट, देखो कितने सेकंड लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने में, बताओ कितने सेकंड हो गए आप इस तरह के क्वेश्चन करने में, 8 to 10 seconds, लो देखो एक टॉपिक और आ गया, ये भी इसमें भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती होगी, या ये भी रेशो प्रोपोर्शन का ही एप्लीकेशन है, चीज तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम सीख चुके हैं, लेकिन ये उसका एप्लीकेशन है, शाबाश देखो बताओ, मिक्सचर अभी हम शेयर पढ़ रहे थे, मिक्सचर पढ़ लो चलो एक तरह से, बताओ इसको सोचो जरा, कॉन्सेप्ट पे रहना, डेप्थ पे मत जाना कि सर पता नहीं है तो अलग चीज है, उसी उतने से ही चीज पे सीखे हुए पे देखो ध्यान से, इन व्हाट रेशो शुड दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग ₹400 पर केजी मिक्स्ड विद आसाम टी कॉस्टिंग एट ₹300 केजी, सो दैट बी सेलिंग द मिक्सचर एट 408 पर केजी, देयर इज अ गेन ऑफ 20%, थोड़ी सी चीजें इसमें मिल गई, प्रॉफिट भी आ गया इसमें, वो भी आ गया, सोच के बताओ क्या करें, एक तो इसका प्रॉफिट इसका मिक्सचर वाले का दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिक पे ही रहता हूँ तो बेसिक से ही सोच के बताओ क्या होगा, आप लोग भी बेसिक पे कोशिश करो, इन व्हाट रेशियो शुड दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग ₹400 पर केजी बी मिक्स्ड विद आसाम टी कॉस्टिंग एट ₹300 केजी, so that be selling the mixture at ₹408 per kg, there is a gain of 20%. Basic थोड़ा सोच लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझाऊं? कहो तो क्वेश्चन समझा दूंगा, सॉल्यूशन अभी भी आप ही को करना है, सोचो दिमाग दौड़ाओ, कोई परेशानी नहीं, सर 2:5, पता नहीं बेटे मैंने तो सोल्व नहीं किया अभी, बताओ 2:5 कैसे, इसमें 20% गेन लिखा आ रहा था इसलिए बोल रहा हूँ।
पता नहीं, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट गैस मत करिए, सॉल्व करिए। ऑप्शन बी से भी चेक कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। देखो सर क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपसे कहा ना क्वेश्चन समझा दूं, तो क्वेश्चन समझ लो। इन व्हाट रेशियो दार्जिलिंग टी, हमारे पास एक दार्जिलिंग टी है कॉस्टिंग रुपीज 400 पर केजी, इसका जो प्राइस है वो 400 रुपीज पर केजी है, मिक्स विद आसाम टी, एक आसाम टी है इसका जो प्राइस है वो 300 रुपीज पर केजी है, ठीक है। सो दैट बी सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 400 पर केजी, इनका दोनों का जो मिक्सचर आपने बनाया, दार्जिलिंग टी और आसाम टी का जो आपने मिक्सचर बनाया, उसको आप सेल कर रहे हो 408 रुपीज पर केजी पे, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, एट देयर इज अ गेन ऑफ 20%, और ये जो 408 रुपीज आ रहा है इसके अंदर 20% प्रॉफिट है, इतने पे बेचने पे हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमसे कह रहा। तो आपसे कह रहा किस रेशो में इन्हें मिलाएं? एक्चुअली होता क्या है, जो दुकानदार जो गड़बड़ी करते हैं वो करते क्या है कि भाई बासमती चावल है साहब, और बासमती चावल है सर 100 रुपए किलो, तो अगर वो बासमती चावल 100 रुपए किलो वाला 120 रुपए में दे दें तो कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ करते हैं कि सर वो नॉर्मल वाला जो राइस होता है, मान लो 40 रुपीज केजी वाला, उन्होंने 10 किलो में 2 किलो मिला दिया, अब वो 2 किलो भी वो जो है जो 2 किलो 40 रुपए वाला था वो अब जो है वो 120 रुपए में ही बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। ये मिक्सिंग है, एक कम वाला ले लिया, एक ज्यादा वाला ले लिया, दोनों को मिला दिया। आपसे कह रहा किस रेशो में मिलाएं, हम कह रहे हैं हमें नहीं पता। अब जरा देखो इसे सिंपल, इसे हम सिंपल ये कह रहे हैं, दार्जिलिंग टी हमने ले ली 1 केजी और आसाम टी हमने ले ली 2 केजी, तो कोई मुझे बताएगा 1 केजी का प्राइस कितना हो गया, 1 किलो 400 रुपए की है तो 1 किलो कितने की होगी? 400 A upon 400 या A into 400? Sir, 400 A. Sorry. Multiply कर रहे हो ना? Sorry. और B कितना होगा? 300. 300. ठीक है सर, ये हमारे पास होगा। अब हमारे पास total price कितना हो गया? 700. इतना हमारा cost हो गया। ठीक है सर, इतना हमारा cost हो गया। इसे हम कितने profit पे बेच रहे हैं? 20%. तो इसका selling price कितना होगा? कोई बताएगा? बेटे ये अपने आप में सर इसका 120%, यस 120%। अगर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट लॉस का आइडिया नहीं है तो ध्यान रखो ये प्राइस है, इतने में मैंने खरीदी है तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो जो भी कुछ प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब अगर इस पे लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दीजिए, और अगर इसमें प्लस हो रहा है तो उतना प्लस कर दीजिए, तो इसमें 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो अब ये 120% हो गया अपनी कीमत का, 120% इतने में आप बेच रहे हो, लेकिन उसने तो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो कह रहा मैं तो 408 रुपीस पर केजी पे बेच रहा हूँ, कितने पे बेच रहा हूँ? 408 रुपीस पर केजी पे, लेकिन मेरे पास है कितने केजी, वो जो है टी जो है टोटल मेरे पास कितने केजी है? 2 नहीं है बेटे, 1 केजी तो ये वाली है और 2 केजी ये वाली है, तो टोटल कितने केजी है? 2 बेटे, 2 नहीं होगा, ए प्लस ए प्लस बी होगा ना, कितना होगा? ए प्लस बी बेटा, हमें नहीं पता ना ये कितने के, मान लो हमने 3 किलो ये लिया और 2 किलो ये लिया तो 5 किलो हो गया ना बेटे, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा हमारा सेलिंग प्राइस ये हो गया 408 इंटू ए प्लस बी, अब इसको दोनों को इक्वल रख दो तो ये मेरा आंसर है बेसिक,
अभी इसको और भी करेंगे, शॉर्ट करेंगे, बेफिक्र हो, तो समझा रहा हूँ। तो अब पहले तो जीरो को जीरो से कैंसिल करो, थ्री से भी कैंसिल करो, फाइव से सिक्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। कितना हो गया 2400, मल्टीप्लाई करो 1800, इसे भी मल्टीप्लाई करो, फाइव फोर जा, अच्छा सिक्स से कैंसिल हो सकता है क्या, सिक्स 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 या 36, हाँ कैंसिल हो रहा है, इसे भी कैंसिल करो और कैंसिल करो। इस सिक्स से ये जो इधर वाला सिक्स है, इस सिक्स से ये 408 कैंसिल कर दो, सिक्स सिक्स जा 36 और सिक्स एट जा 48, तो 68 आ गया, ठीक है। 68 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 68 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 400A प्लस 300B, 5 8 जा कितना होता है 44, 5 6 जा 34, 340 होगा ना, 340 होगा ना, तो 340A और 340B। अब A वाले एक साइड लो, B वाले एक साइड लो, तो ये इधर आएगा 400 माइनस 340 कितना होता है, और 340 माइनस 300 कितना होता है, तो A अपॉन B कितना भाई, 40/60, 2/3, 2/3, ये हमारा रेशो है, ये हमारा रेशो है, कौन सा है 2/3, सही है जी, ये हमारे पास है, तो 2:3 इज अवर आंसर। इसका दूसरा भी होता है, अब जरा वैसे ही कर लेते हैं, आप मुझे बताओ अगर हम इसको सीधा सीधा इसी तरह से ले लें, ये 1 किलो हम पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ये थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, जी सर। अब जरा वैसे ही देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं, एक दूसरा मेथड भी लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा मिक्सचर वाला भी थोड़ा सा आ गया, ये देखो इसको इधर ले लेते हैं। मुझे आप ये बताओ, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हुआ हो कि जो रेशो था ये उसका वेट था, अगर हम ये कह दें कि भाई दार्जिलिंग टी जो है हमारे पास, जिसकी कॉस्ट 400 रुपए किलो है, और वो पहला वाला ऑप्शन मान लेते हैं 1:2 वाला, तो इसका मतलब वो 1 किलो मान लेते हैं, 1:2 का मतलब 1 kg 2 kg, तो ये 1 kg हो गया 400 रुपए का, और ये 300 के हिसाब से हो गया 600 रुपए का, और 600 के हिसाब से ये हो गया 1000 रुपए का 3 किलो। यस और नो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इस पे 20% प्रॉफिट लगा दो बेटे, 20% प्रॉफिट कितना होगा, तो कितने का हो गया ये 1200, कितने का हो गया। लेकिन अब जरा देखो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 408, और ये हमारे पास कितने किलो हो गया, 3 kg, तो अगर 408 के हिसाब से 3 का बेचेंगे तो कितना आएगा, 1224 रुपए का, यस और नो। तो क्या ये सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, नहीं। तो ये हमारा आंसर से गलत है, आया समझ में कुछ, जी सर। दोबारा से देखो अब जरा, अब 2:3 वाले को चेक करके देखो, किसको चेक करो, 2:3 को, अगर 2 किलो 400 रुपए वाली है बेटे तो कितने की हो गई, और 3 किलो 300 वाली है तो कितने की हो गई, तो टोटल कितने की हो गई, सर समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, तेज तेज करा करो ना कैलकुलेशन, दिमाग को स्लो मत माना करो, स्लो दिमाग उसी का होगा जो अपने आप को मानेगा कि मैं स्लो हूँ। आप में से किसी का दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह स्लो नहीं है, दुनिया में किसी का दिमाग स्लो नहीं है, ये मैं दावे के साथ प्रूव कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नो वन इज स्लो, कोई बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में, सब बहुत शार्प इंटेलिजेंट अल्लाह ताला ने बनाए, बस उनके इंटरेस्ट की बात है। मुझे आज तक दुनिया में जिंदगी में पूरा गाना याद नहीं हुआ, एक लाइन दो लाइन गुनगुना लूं तो बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग शार्प नहीं है, अरे गाना तो याद नहीं होता, तो चार लाइन, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ऐसे आदमी देखे, एक बार सुन ले माशाल्लाह पूरा गाना, उनसे दोबारा सुन लीजिए, उन्हें हजारों गाने याद है, तो इसका मतलब वो मुझसे इंटेलिजेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, किसी चीज में मैं इंटेलिजेंट हूँ, किसी चीज में वो इंटेलिजेंट है, कुछ इंटरेस्ट उनका अच्छा है कुछ मेरा। कोरियोग्राफर जिस डांस को फिल्माइज करते हैं एक एक साल में, छः छः महीने में, कुछ बच्चे उसको देख के एक बार ही मूवी पर एकदम से वही स्टेप्स करने लगते हैं, यस और नो, यस सर, यस सर, गर्दन हाथ पैर टांग वो उसी तरह से हिलने लगती है, जबकि दूसरा आदमी उस स्टेप को कर ही नहीं पाता जिंदगी में, मुझसे नहीं ये वाला स्टेप हो। तो बेटे सिर्फ आपको अपना समझना, उसी स्पीड से अपने आपको चलना, जिस स्पीड से अपने आपको कॉन्फिडेंस रखोगे उससे ही चलेगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर हमारा 400 वाला 2 kg है तो इसका मतलब 800 रुपए में हमने खरीदा है, और अगर 300 वाला 3 kg है तो हमने ये 900 रुपए में खरीदा है, तो हमारी जो कॉस्ट आई
वो 1700 रुपए आ गई, 1700। लेकिन इस पे 20% प्रॉफिट है। कोई बच्चा मुझे बताएगा 1700 का 20% कितना होता है? ये चीजें सीखते रहा करो। अब इधर देख लो जरा, ये भी सीख लो, 1700 है ये, तो ये इसका है 100%। अगर एक जीरो हटा दोगे तो ये रह जाएगा 10%। जी। अगर एक और जीरो हटा दोगे तो ये रह जाएगा 1%। तो यहाँ से कैलकुलेशन होती है फटाफट। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 10%, तो 10% मेरा कितना है 170। 20% कितना होगा सीधा सीधा सा 340। ठीक है, तो 1700 ये और 340 ये, तो मेरा कितना हो गया 2040 रुपीज का मेरा सेलिंग प्राइस है। यस सर नो? अब आप क्या कह रहे थे कि नहीं आपने ये वाला मिक्सचर 408 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल किया है। कितने के हिसाब से? 480 है ना आपका, 400 पर केजी। अब आपने ये कितना दिया है, 2 केजी ये लिया है और 3 केजी ये लिया है, तो 2 प्लस 3 कितने केजी? 408 × 5 करके देखना कितना आ गया, 20 8 5 40 आ गया, 20 40 या नहीं? जी सर। आ गया आंसर? खत्म जी सर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो फिर कुछ चीजें सीखा करो। आओ जी देखते हैं और। अल्लाह रहम, गुड कर सकते हो माशाल्लाह आप लोग, बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। जिस दिन आप अपने ऊपर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस ले आओगे, नो वन कैन बीट यू इन द लाइफ, एग्जाम नहीं इन द लाइफ इंशाल्लाह। और लाइफ खुद एग्जाम है, उसी की तैयारी है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। देखो बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी गुड। लेकिन ये तो वही है, ये तो यही है, दो पेपर थे। अच्छा वही दिखा रहा है, ठीक है जी। LLB के 5 साल के पेपर, 4 साल के पेपर हैं शायद मेरे पास, तो किसी को चाहिए तो ले लेगा वो। 16 ओके। ढूंढ के रखा करो दो चार क्वेश्चन आप भी डिस्कस करने के लिए। वो क्वेश्चन निकालो जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, या उसे सॉल्व करना। लो मैं पहले उसमें से निकाल लूँ, अब तो इसमें तो है नहीं, हमारी बुक में से निकालते हैं एक दो क्वेश्चन। कहाँ गई बुक? ये रही। यस। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? एवरेज हो गया था हमारा जी? एवरेज हुआ या नहीं हुआ? क्या ये तो कर लिया था हमने। यस ये वाला बताओ। चलो शाबाश, गुड। कौन बच्चा बताएगा ये क्वेश्चन? बताओ सर। मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट 9 पर लीटर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया, बिल्कुल 20% वाला। जल्दी से आंसर दो, चाहे आंसर से ऑप्शन करो, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे क्वेश्चन को उससे सॉल्व ही करो, चाहे मतलब चाहे चेक करो चाहे सॉल्व करो। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। आपके सामने थे जामिया LLB के क्वेश्चंस 3 साल के दिखाए मैंने, ठीक है? तो उसी लेवल पे हैं सारे क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस फिर आपके BBA में, यही क्वेश्चन आपके BA ऑनर्स में, यही क्वेश्चन फिर MBA में। आंसर आ जाना चाहिए था इतनी देर में। मिल्कमैन मैक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क विद मिक्स्ड विद वाटर एट 9 पर लीटर। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9 रुपीज, प्रॉफिट हो रहा है 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10, यहां पे प्योर मिल्क का 10 है, वाटर तो फ्री में है। बस आपको ये देखना है कि मिल्क के साथ कितना पानी मिलाएं कि उसकी प्रॉफिट 20% के साथ 9 रुपीज हो जाए।
आओ जी सर, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताओ पहला वाला ऑप्शन, हाँ भाई, हमारा जो मिल्क का प्राइस है वो कितना है? अगर मैं थ्री थ्री के जी मान लू तो 10 3 30 30, ठीक है। पानी तो फ्री में है, 1 kg पानी है या नहीं है? जी, तो पानी तो फ्री में है तो 30 rupees हो गया। इस पे 20% प्रॉफिट लगाओ, 30 का 20%। बताओ ना जल्दी से, 30 का 10%, 30 का 10% 3 rupees, तो 20% 6 rupees, कितना हो गया? 36। तो सेलिंग प्राइस हो गया 36। मुझे ये बताओगे 3:1 लिया था मैंने, तो 3:1 में कितने केजी हो गया टोटल? 4 केजी। आप कितने कितने रुपए पे बेच रहे हो उसको? 9 रुपए। 9 रुपए पे, तो 9 × 4 का कितना होता है? आंसर आ गया नहीं आ गया? क्या सोच रहे हो फिर इतनी देर से? सर बताओ ना। सर इसमें वाटर का नहीं था ना, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। क्या क्या नहीं करा? मतलब इसे पानी फ्री था ना तो बेटे पानी फ्री तो सोचना है, वहां पानी का प्राइस ले लोगे तो फिर बचेगा ही क्या उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसको सॉल्व करते तो कैसे करते? हमारे पास क्या है, मिल्क है, और प्लीज सॉल्व किया करो, चेक करना अपनी जगह बहुत अच्छी बात है आ जाए, बट सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। सम टाइम ऐसा ऑप्शन होता है नहीं चेक हो रहा। हमसे कह रहा मिल्क और वाटर, मिल्क की जो कॉस्ट है वो 10 rupees है, वाटर की कॉस्ट फ्री है, जीरो। जीरो भी मत लिख देना क्योंकि मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास है, और हमारे पास जो दोनों की कॉस्ट है मिक्सचर की, मिल्क प्लस वाटर, उसकी कॉस्ट है 9। हमसे कह रहा है कि भाई किस रेशो में, A:B, तो हमारे पास मिल्क का हो गया 10A, चलो जीरो से मल्टीप्लाई करें 0B, और ये कितना हो गया A+B, तो कितना हो गया 9A+B। समझ में आ रहा है, जैसे हमने पहले किया था? हाँ भाई, ठीक है। लेकिन लेकिन ये सेलिंग प्राइस है राइट वाला, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस कब बनेगा? जब इसमें कितने परसेंट लगा दोगे? 20% प्रॉफिट लगा दोगे, 100। अब बनेगा ये, अब सॉल्व कर दो अगर करना चाहो तो। आगे बेटे जी सर, अब जीरो बी को तो कुछ करना ही नहीं है, इसको भी नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो जितना भी आ जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी एक क्वेश्चन और देखो, शाबाश। मेरी क्लास के बाद कितनी देर पढ़ते हो, सच बोलना, बताओ। सर रात में। अब भाई साहब रात में, ये बताओ कितनी देर पढ़ते हो, बैठते नहीं कह रहा हूँ। वो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, अजी मेरा बच्चा तो 8-8 घंटे बैठता है। मैंने कहा सर बैठता ही है, पूछो पढ़ता कितनी देर है, है भाई। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, आओ चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, पढ़ा करो माशाल्लाह से, आपके पास डाउट्स होने चाहिए बेटे अपने टॉपिक के, और बहुत सिंपल बताओ जो आपके सामने लेवल में, इसीलिए बीच बीच में एग्जाम्स के क्वेश्चन इसीलिए लाता हूँ कि आपको ये पता रहे कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज डेप्थ अपने आप में बहुत। चलो ये वाला बताओ जल्दी से फटाफट, देखो जल्दी से बताना, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताना फटाफट, देखो कौन बच्चा बताएगा ये वाला क्वेश्चन, बताओ सिंपल है बहुत, जल्दी बताओ। लेकिन अल्लाह
बताइए सर। ऑप्शन फोर 45 लीटर जी। 45 लीटर ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर 45 लीटर।